हेलो डी स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर थर्टी थ्री फोर क्लास सिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए एट्थ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए, लिए शेड्यूल की गई है आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे सो so वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे सो so, देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस तो आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जैसे फर्स्ट है आई ऑलवेज वियर न्यू क्लॉथ्स ऑन माई बर्थडे ठीक है आई ऑलवेज वियर न्यू क्लॉथ्स ऑन माई बर्थडे कि मैं अपने बर्थडे पर हमेशा नए कपड़े पहनता हूँ ही प्रेज टू गॉड एवरी इवनिंग ठीक है थर्ड दिया गया है वी मीट ईच अदर ऑन संडेज ठीक है हम संडेज़ को एक दूसरे से मिलते हैं फोर्थ है शी गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग वो क्या कहाँ जाती है गो जो है वॉक के लिए जाता है या जाती शी है तो जाती है क्लियर तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें क्या दिखाया गया है इनमें हैबिट्स जो है वो दिखाई गई हैं अब अबो इंडिकेट समथिंग दैट हैपन्स ऑफन कि इसमें जो दिखाया गया है कि ये वो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमेशा लगभग होते रहते हैं क्लियर डी सेंटेंसिस मेक यूज ऑफ द सिंपल प्रजेंट टेंस तो ये जो सेंटेंस हैं इनमें किसका यूज़ किया गया है सिंपल प्रजेंट टेंस का इनमें यूज़ किया गया है वी मेक द यूज ऑफ सिम्पल प्रेजेंटेंस इन द फॉलोइंग केसेज तो हम जो है किस किस केस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं उसके कुछ रूल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं द सेंटेंसिस अबो इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स ठीक है दी सेंटेंसिस मेक यूज ऑफ द सिंपल प्रजेंट टेंस तो सबसे पहले जो दिया गया है वो हैबिट्स हैबिट्स जब हमें शो करनी होती है तो हम सिंपल प्रजेंट टेंस का यूज़ करते हैं लाइक आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी एट वर्क ठीक है ये हैबिट है ही गोज़ टू बैड एट इलेवन पी एम वो इलेवन पी एम सो जो है सोने चला जाता है सो जाता है तो ये क्या है एक हैबिट है दे ऑफ़न ईट लंच स्कूल तो ये भी क्या है हैबिट है तो so, इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं ओके okay? जैसे इसमें गोज़ का यूज़ हुआ है ड्रिंक का हुआ है यहाँ पे ईट का हुआ है क्लियर नेक्स्ट है फ्यूचर प्लान और शेड्यूल अगर होते हैं तो भी हम हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं लाइक द ट्रेन अराइव एट थ्री पी एम अब यहाँ पे किसका है अराइव है ना द ट्रेन अराइव एट थ्री पी एम तो ये फ्यूचर प्लान है शेड्यूल्ड है वी फ्लाई टू पैरिस ऑन मंडे ठीक है हम पेरिस जाएंगे मंडे को तो ये शेड्यूल्ड है एंड क्लासेज बिगिन नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक क्लासेज शुरू हो जाएंगी तो ये क्या है शेड्यूल है फ्यूचर प्लान है तो इसमें किसका यूज़ किया हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया उसके अलावा जो जनरल फैक्ट होते हैं ट्रूथ होते हैं उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं लाइक द सन राइजेज़ इन द ईस्ट अर्थ इज़ नॉट फ्लैट वाटर बॉयल्स एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वाटर जो है कितने पर बॉयल होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है तो ये क्या है जनरल फैक्ट्स एंड ट्रूथ हैं क्लियर उसके बाद देखिए प्रजेंट फैक्ट और ट्रूथ के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं हम सिंपल प्रजेंट टेंस का यूज़ करते हैं जैसे आई लिव इन वाशिंगटन डी सी मैं जो है वाशिंगटन डी सी में रहता हूँ ये प्रजेंट फैक्ट है शी इज़ एटी ईयर्स ओल्ड एंटी ही वर्कस एट माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है तो ये भी प्रेजेंट फैक्ट है तो इसीलिए हमने किसका यूज किया सिम्पल प्रेजेंटेंस का यूज़ किया नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसिस अब जो सेंटेंस नीचे दिए गए हैं वो आपको रीड करने हैं डॉग बार्क्स कुत्ता जो है वो क्या करता है भोंगता है डॉग्स बार्क क्लियर गर्ल्स गर्ल प्ले हॉकी यहाँ पे क्या है एक सिंगल है गर्ल और उसके साथ जो है यूज किया गया है प्लेज और यहाँ पे प्लूरल है गर्ल्स और उसके साथ यूज़ किया गया है प्ले हॉकी सो दस द फॉलोइंग रूल इज रूल इज़ फॉलोड फॉर फ्रेमिंग सेंटेंसेस इन सिंपल टेंस तो सिंपल टेंस में हम किस तरह से फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस को रूल दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ई एस लगेगा प्लस में ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ठीक है सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है जैसे हमने अभी देखा जैसे देखिए डॉग है क्लियर डॉग क्या है और जो है यहाँ पे डॉग यहाँ पे क्या है सिंगुलर है ना तो उसके साथ हमने किसका यूज़ किया हमने एस या जो है एस का यूज़ किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का यूज़ किया क्लियर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसी तरह अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है जैसे डॉग्स आ गया इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की और हम यहाँ पर एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे क्लियर तो आपको बस यही चीज़ जो है इसमें मेन याद रखनी है नाउ स्टडी द रूल्स गिवन अबो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग बिलो अब नीचे आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं सिक्स सेंटेंस उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है दे ऑलवेज गो गोज़ by बस अब आपको बताना है कि इसमें आप गो फिल करोगे या गोज़ फिल करोगे देखिए इसमें क्या दिया गया है दे है दे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल के लिए हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे तो इसमें क्या आएगा गो आ जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे लिख रहे हैं गो क्लियर दे ऑलवेज़ गो बाय बस तो आप सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे सेकेंड है रीता डैश हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी सनडे अब रीटा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर के साथ एस सी आई एस का यूज़ होगा तो रीटा विजिट आएगा विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे रीता विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे ठीक है तो ये जो है इसमें आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर थर्ड है दे ऑफ़न डैश ईच अदर दे ऑफन डैश ईच अदर दे ऑफ एन मीट आएगा या मीट्स आएगा तो देखिये दे है प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल के साथ हम ऐसे आई ये इसका यूज नहीं करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा दे ऑफ एन मीट आ जाएगा ठीक है दे ऑफ एन मीट ईच अदर उसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर फोर ही रेयरली डैश बिफोर स्पीकिंग एनी थिंग तो इसमें क्या आ जाएगा ही जो है वो क्या है ही सिंगुलर है ठीक है तो सिंगुलर के साथ हम ऐसे आई ये इसका यूज करेंगे ही रेयरली थिंग्स आएगा ही रेयरली थिंग्स बिफोर स्पीकिंग एनी थिंग ठीक है तो ये इसमें आ जाएगा उसके बाद नंबर फिफ्थ है बेबीज़ यूजअली क्राई आएगा या क्राइज आएगा वेन दे आर हंगरी तो इसमें आएगा बेबी यू बेबीज़ यूजअली क्राई क्लियर तो इसमें भी हम ऐसे ये इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बेबीज जो है वो क्या है प्लूरल है नेक्स्ट है वी समाइम डैश क्रिकेट इन द पार्क तो वी क्या है यहाँ पर प्लूरल है तो वी समाइम प्ले यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स प्ले आ जाएगा वी सम टाइम प्ले क्रिकेट इन द पार्क तो बस आपको याद रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ एस या आई ई एस का यूज़ हो जाएगा और अगर सिंगुलर नहीं है प्लूरल है तो उसके साथ एस या आई ई एस का यूज़ नहीं होगा ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ठीक तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ टेक केयर बाय बाय